हेलो आई गाइस एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? और मोबाइल अनबॉक्सिंग यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और मैं आपको एक मोबाइल दिखाने वाला हूँ, एमआई का 14। और फिलहाल में न्यू लॉन्च मॉडल है और ये 70,000 रुपये का फ़ोन आता है, जो 512 जीबी प्लस 512 जीबी और बहुत अच्छा स्टोरेज 512 जीबी हो जाएगा और 12 जीबी रैम हो जाएगी। लुक से डिज़ाइन से फ़ोन बहुत बड़ा ज़बरदस्त है और महंगा फ़ोन में से एक है। जिसके अंदर प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का प्रोसेसर आता है, 12 जीबी रैम है और 512 जीबी स्टोरेज है। और कैमरा में 3.3 जैक का सिंगल और 3.3 का फ्रंट होता है, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब इसकी ऑल ओवर से बात करें जाए तो, और उसकी साइज़ थोड़ी ज़्यादा 6.3 इंच की आएगी और वो आएगी LTPO AMOLED डिस्प्ले। महंगी डिस्प्ले आती है, LTPO करते हैं, जो बहुत बड़ी हैवी वाली डिस्प्ले आती है, वो डिस्प्ले ये वर्क करेगी और बहुत बड़ा ज़बरदस्त डिस्प्ले के साथ में आएगा। फुल HD प्लस में वीडियो है, डिस्प्ले है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी सिस्टम है। 120 GB की रेफरेंस रेट से पूरा फ़ोन वर्क करेगा और गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन है और विजुअल हेल लेंस प्लस के डिस्प्ले है। अब उसके पीछे की बात करें तो दो कैमरे, मेन कैमरा 50 का है और 50 का, तीन कैमरे और टेलीफोटो ऑन 3x डिजिटल के झूम के साथ में कैमरा, ड्यूल कलर LED के साथ में और 8K में वीडियो रिकॉर्डिंग है 24 FPS के साथ में। पीछे की बात कर रहे हैं तो 8K में वीडियो रिकॉर्डिंग है, मतलब बहुत बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि जब कितना भी आप दूर से जूमिंग से कूलिंग से लोगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, बहुत ज़ोरदार रहेगा। और सेल्फी 32 का, वो भी 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है और 4500 mAh की उसकी बैटरी है और 90 वॉट का फास्ट चार्जर है, USB Type-C के साथ में सपोर्टेड है। दोनों सिम कार्ड 5G, 512 GB स्टोरेज है और बहुत एकदम अच्छा और स्टेबल फ़ोन है ये फ़ोन। एक बहुत महंगा फ़ोन निकाल दिया कंपनी ने, जो MI कंपनी आप पर जैसे बात करने जाए तो इस कंपनी में इतना महंगा फ़ोन होना एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है और वैसे देखा जाए तो ठीक भी है। और ये फ़ोन बहुत ज़बरदस्त वर्क भी करेगा। 198 ग्राम का उसका वज़न आता है, वज़न भी ज़्यादा नहीं, 198 ग्राम नॉर्मल हो गया, क्योंकि जब इतना फ़ोन महंगा है तो उसमें कुछ बैटरी बैकअप होता है, कुछ ऐसे ऐसे फ्यूचर भी होता है, बट इसके अनुसार फ़ोन ठीक ठाक है।